बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद इरा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाजवाब चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो वीडियो को देखिएगा एंड तक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाजवाब चिकन हांडी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है आधा कप। अब हम इसमें डाल देंगे दो अदद बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज। प्याज को बिल्कुल पतला पतला मैंने काटा है। अब प्याज को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे ब्राउन कर लेने। इसको हमने कवर नहीं करना, तभी हमारी जो प्याज है वो क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह चम्मच लाते हुए इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो प्याज का खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम प्याज को निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में कुछ खड़े मसाले हम डालेंगे। तो दो दालचीनी के पीस मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चार अदद लौंग, दो अदद हरी इलायची, एक चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इनको हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। अब मैं फ्रेंड्स इसमें डाल रही हूँ एक किलो चिकन। बहुत ही आसान तरीके से चिकन हांडी बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बैचलर भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए चिकन को भूनना है। 2 से 3 मिनट गुजर गए, चिकन का कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन। तो लहसुन को भी मैंने भून लिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 अदर टमाटर ले लिए। टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो अब टमाटर डालने के बाद टमाटरों को भी चिकन के साथ तेज़ आँच पर हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। साथ ही इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच या फिर हसबे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है चिकन कढ़ाई मसाला। अब देखिए जो टमाटर थे उसने भी पानी छोड़ दिया है। तो अब इसी तरह तेज़ आंच पे 5 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे। अब हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। तो 5 मिनट गुजर गए, अब हम चेक कर लेते हैं कि जो टमाटर हमने डाले थे वो तकरीबन गल चुके हैं। खूबसूरत सा चिकन का कलर देखिए आगे। एक बार इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद एक बार चम्मच से इसको मिक्स कर देंगे और फिर कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। अब मैं आँच धीमी कर दूँगी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। जब भी फ्रेंड्स आप लोगों ने दही डालना है तो आँच हल्की करनी है, इससे दही फटेगा नहीं। अब 2 से 3 मिनट इसी तरह चिकन को दही के साथ भून लेंगे। जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएंगे तो जो प्याज हमने फ्राई की हुई थी उसको मैंने पीस लिए, वो इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और एंड पे इसमें मैं डाल रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया और गरम मसाला, और गार्निश के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ज़बरदस्त सी चिकन हांडी रेडी हो चुकी है। और देखा आप लोगों ने कि कितने आसान तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस लाजवाब चिकन हांडी को आप रोटी, नान, रोगनी नान किसी के साथ भी खा सकते हैं, सबके साथ ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अब तक देखते रहें टेस्टी फूड विद इरा।